हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी एक्स कॉमा टू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लाइन सेगमेंट है ए बी, दोनों एंड पॉइंट दिया हुआ है उस लाइन का, और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है पी। उस पी का पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, और ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हमें रेशियो फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया उसमें रेशियो दे रखा रहता था, इस बार हमें रेशियो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो के इज टू वन। हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो पॉइंट पी है वो ए बी को के इज टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तब जब हमने रेशियो एज्यूम कर लिया तो हमें पता चल गया कि क्या रेशियो है, के इज टू वन। तो लाइन का एंड पॉइंट हमें पता है, रेशियो पता है जो हमने एज्यूम किया है, तो लाइन का एंड पॉइंट पता है, रेशियो पता है, तो हम पी के कोऑर्डिनेट को खोज लेंगे। और पी का कोऑर्डिनेट पहले से ही दिया हुआ है, इनकम्प्लीट कोऑर्डिनेट है लेकिन दिया हुआ तो है, तो उसके बाद हम लोग उसको इक्वेट कर देंगे। तो देखते हैं इसको, लेट पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो के इज टू वन, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो। तो रेशियो हम फाइंड नहीं करेंगे, हम पी के कोऑर्डिनेट को ही फाइंड करेंगे, और पी का कोऑर्डिनेट हमें पता है, हम बाद में लास्ट वाले स्टेप में इक्वेट कर देंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, पी का कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, के इंटू फोर प्लस वन इंटू ट्वेल्व अपॉन रेशियो का सम के प्लस वन कॉमा के इंटू माइनस थ्री, माइनस थ्री के बन जाएगा, और वन इंटू फाइव तो ये हो गया प्लस फाइव अपॉन के प्लस वन, तो ये हो गया फोर के प्लस ट्वेल्व अपॉन के प्लस वन कॉमा माइनस थ्री के प्लस फाइव अपॉन के प्लस वन। ये हमें मिल गया पी का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा पी का कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम इक्वेट कर देंगे। नाउ जो 4k प्लस 12 अपॉन k प्लस 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, और माइनस 3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 ये हो जाएगा किसके बराबर, 2 के बराबर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, फिर k के वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें x का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, माइनस 3k प्लस 5 ये k प्लस 1 उठ के उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2k प्लस 2, फिर माइनस 3k ये 2k उठ के इधर आ गया माइनस 2k, और 2 ये 5 उधर चला गया माइनस 5, तो माइनस 3k माइनस 2k ये हो गया माइनस 5k, और 2 माइनस 5 ये हो गया माइनस 3, तो k इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k इक्वल टू 3 अपॉन 5, k का वैल्यू आ गया। रेशियो हमने क्या एज्यूम किया था, k इज टू 1, जो रेशियो था k का वैल्यू, अगर ये x हमें पता होता तो k का वैल्यू यहाँ से भी वही आता 3/5। ठीक है, लेकिन हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो रेशियो तो हमें मिल गया, पहले रेशियो क्या था, k इज टू 1, यानी 3/5 इज टू 1, तो ये हो गया क्या 3:5, ये हमें रेशियो मिल गया। नाउ यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, जो k का वैल्यू आया है 3/5, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, 4:3/5 प्लस 12 अपॉन k के प्लेस पे 3/5 प्लस 1 इक्वल टू x, तो 4×3=12 प्लस 5×12=60 अपॉन 5 अपॉन 3+5 8/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, 12+60 हो गया 72 बाई एट क्या हो गया 9, तो यहां से x का वैल्यू आ गया x इक्वल टू 9। तो यही हमें फाइंड करना था, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू आ गया 9 और रेशियो आ गया 3:5। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।